गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज फ्रॉम 6th क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अभी तक हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, आज हम एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आपको पहले भी पता है कि हमारी एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है वो कितनी होती है, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकंड वन इज कंपैरेटिव एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव होती है वो हम नॉर्मल वर्ड्स को बोलते हैं कि जो सिंपल किसी को भी किसी से कंपेयर ना किया गया हो। और हमारी कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो हम किसी को कंपेयर करते हैं, ज्यादा कंपेयर नहीं करते, बस थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। और जो सुपरलेटिव होती है तो उसमें हम उसको सबसे ज्यादा कंपेयर करते हैं, सबसे ऊंचा बताते हैं। तो हम वन बाय वन करके ये देखते हैं कि हम कैसे सुपरलेटिव और कंपेरेटिव डिग्री में चेंजेस लाते हैं और कैसे उसमें जो हमारी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं कैसे हम चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है मैनी ऑफ द कंपेरेटिव डिग्री आर फॉर्मड बाय एंडिंग ईआर एंड सुपरलेटिव डिग्री विद ईएस। हमारी बहुत सी पॉजिटिव डिग्रीज होती है जिसमें हम अगर ईआर लगाएंगे तो हमारा कंपेरेटिव डिग्री होता है और ईएसटी हमने लगा दिया तो वो सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल आपका दे रखा है क्लेवर, क्लेवर में ईआर लगा दिया क्लेवरर और ईएसटी लगा दिया तो क्लेवरेस्ट। तो मतलब पहले तो नॉर्मल वर्ड दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा बताया उसे और फिर क्लेवरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा बताया। फिर आता है सेकंड में मेनी ऑफ द पॉजिटिव डिग्री एंड विद ई वी ऐड ओनली आर एंड ईएसटी। बहुत सी हमारी ऐसी पॉजिटिव डिग्री होती है जिनके जो ई से लास्ट में जो उनका वर्ड होता है वो ई से फिनिश हो रही होती है। तो अगर हम उसमें आर कहाँ पे लगाते हैं? कॉम्पेरेटिव डिग्री में लगाते हैं और ईएसटी सुपरलेटिव में। एग्जाम्पल देखिए नॉवल, नॉवल में लास्ट में ई आ रहा है आपका, तो हमने कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए आर लगा दिया, नॉवलर हो गया, और सुपरलेटिव बनाने के लिए ईएसटी लगा दिया तो हमारा हो गया नॉवलिस्ट। थर्ड वन हमारा आता है मैनी ऑफ द पॉजिटिव डिग्रीज एंड विद कॉन्सोनेंट वाई वी एड आई ई आर एंड आई ई एस टी वी रिमूव वाई। बहुत सी हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है जो लास्ट में क्या आ रहा होता है, वाई आ रहा था, वाई हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वाई आ रहा होता है, उसको रिमूव करके उसे हटा के आई ई आर हम कहाँ लगाते हैं? कॉम्पेरेटिव में लगाते हैं और आई ई एस टी सुपरलेटिव में। एग्जाम्पल देखिए इजी, वाई लास्ट में फिनिश हो रहा है, वाई हटा के हमने क्या किया आई ई आर ई किया, इसमें किया कॉम्पेरेटिव में और सुपरलेटिव में आई ई एस टी की। तो ये क्या हो गया, पहला था इजी, इजियर एंड इजिएस्ट। फिर आपका आता है फोर्थ वन मैनी ऑफ द पॉजिटिव डिग्री एंड विद वन सिंगल अ सिंगल कॉन्सोनेंट एंड वोवल वी मेक कॉन्सोनेंट डबल एंड एड ई आर एंड आई एस टी। बहुत से हमारी पॉजिटिव डिग्रीज होती है जो कॉन्सोनेंट्स से फिनिश हो रही होती है लास्ट में, तो उन कॉन्सोनेंट्स को हम डबल कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, ई आर लगा देते हैं कॉम्पेरेटिव में और ई एस टी किस में लग जाता है, हमारा सुपरलेटिव में लग जाता है। देखिए यहाँ पे थिन एन आ रहा है लास्ट में, हमने एन को डबल कर दिया, यहाँ पे थिनर हो गया, ई आर हमने साथ में लगाया, फिर हमने ई एस टी यहाँ पे लगाया, थिनेस्ट हो गया। तो इसमें चेंजेस क्या आए, हमने इसमें जो हमारा कॉन्सोनेंट था लास्ट वाला उसे हमने डबल कर दिया और उसके साथ ई आर और ई एस टी का यूज किया है कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। फिफ्थ वन हमारा होता है मैनी ऑफ द पॉजिटिव डिग्रीज हैव टू और मोर देन टू सिंबल, वी यूज मोर बिफोर पॉजिटिव इन कॉम्पेरेटिव एंड मोस्ट बिफोर पॉजिटिव इन सुपरलेटिव। बहुत सी हमारी ऐसी डिग्रीज होती है जिससे जिसके पहले कॉम्पेरेटिव बनाने से पहले हम मोर का यूज करते हैं और सुपरलेटिव बनाने से पहले मोस्ट का यूज करते हैं। तो देखिए ब्यूटीफुल लिखा है जैसे इसमें, तो हमने कॉम्पेरेटिव बनाने के लिए इसमें ई आर वगैरह ई एस टी कुछ नहीं लगेगा, बस स्टार्टिंग में मोर या मोस्ट का यूज होता है। तो ब्यूटीफुल था मोर लग गया मोर ब्यूटीफुल, फिर मोस्ट लगा मोस्ट ब्यूटीफुल। फिर आपका सिक्स्थ वन और लास्ट वन है ये मैनी ऑफ द एडजेक्टिव्स आर इररेगुलर सो वी ट्राई टू रिमेंबर देयर कॉम्पेरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब हमारी बहुत सी ऐसी डिग्रीज भी सॉरी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे जो इररेगुलर होते हैं। अब इनके जो इररेगुलर मतलब ये रेगुलरली ऐसे चलते नहीं, जैसे अब इसके साथ थिनर थिनेस्ट, इसमें भी ब्यूटीफुल बार बार आया है, बस मोर और मोस्ट का यूज हो गया। सेम ऐसे इसमें हमने किया इजी इजियर इजिएस्ट, नॉबल नॉबलर नॉबलेस्ट, क्लेवर क्लेवर क्लेवरेस्ट, ये आपके
पॉजिटिव डिग्री जो था आपका, इसमें तो सब में सेम था, इसका आपने वही रेगुलर में चलाया था, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव था वो आपका कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव चेंज हो गया है, ठीक है। तो हमें हमेशा कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव इस टाइम पे, इस सिचुएशन में हमें याद रखनी होती है जिसमें एडजेक्टिव हमारे इररेगुलर होते हैं, तो उसमें सुपरलेटिव और जो कॉम्परेटिव डिग्रीज होती है हमें हमेशा उसमें याद करनी पड़ जाती है। बैड वर्स वरेस्ट, गुड का होता है गुड, बेटर आता है ना, चेंज हो जाता है वो, गुड का गुडेस्ट या गुडर भी लगा सकते हो आप। उसके बाद प्रोसेस जो चलता है ये चलता है, बैड वर्स वर्स्ट, ये बैड का हो गया, गुड का गुड, बेटर बेस्ट, ये लगता है आपका, समय चेंजेस आते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज आपने क्या पढ़ा है, डिग्रीज के बारे में पढ़ा है कि हम डिग्रीज कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या चीजें हम ऐड करते हैं। इसी बेस पे अगर आप अपनी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस पुट आउट कर